नमस्ते, आप खुश रहो, निरोगी रहो। हमारी आज की वीडियो निर्बल व्यक्ति को बलवान बना दे, पहलवान जैसा शरीर बना दे, मल्ल जैसा बना दे, इसके बारे में है। यह औषधि बनाने के लिए आपको अष्ट संस्कारित 12 ग्राम पारद की जरूरत पड़ेगी। पारद को मर्क्यूरी कहते हैं, और 12 ग्राम शुद्ध गंधक ले, जो गाय के घी और दूध से शुद्ध किया हो। इन दोनों को एक खरल के अंदर डालें और इसके ऊपर लाल कमल की पत्तियों का रस निकाल कर डालते रहे और घोटते रहे, यानी रेड लोटस की पत्तियों का रस डालकर घोटने का है। लाल कमल की पत्तियों का रस में 3 दिन घुटाई करने के बाद और 3 ग्राम शुद्ध गंधक डालें और पत्तियों का रस डालकर 1 घंटे तक घुटाई करें। इसके बाद और 3 ग्राम शुद्ध गंधक डालें। अब शंख पुष्पी का रस डालकर 1 घंटे तक घुटाई करें, खरल करें। इसके बाद सारे पदार्थों को निकालकर एक कांच की शीशी या बोतल में भर ले। बोतल के ऊपर ढक्कन डाल दे, ढक्कन लगा दे और इसे वालों का यंत्र, इसे रेत चंत्र भी कहते हैं, इनमें शीशी को गले तक दबा दे। फिर धीमी आंच से 9 घंटे तक पका ले। अपने आप शीतल होने दे, सर्वांग शीतल होने दे। फिर बोतल को बाहर निकाल कर इनमें जो भी द्रव्य है उसका पाउडर कर ले और पैक करके रख ले। इस द्रव्य में से रोज रात को सोते वक्त 3 से 5 रती का सेवन करें। 1 महीने के उपाय से दुर्बल आदमी तंदुरुस्त मल के समान पहलवान जैसा बन जाता है। परहेज में तिक्त, उष्ण और खटाई वाले पदार्थों का सेवन टाले। धूप से भी परहेज करे। घी, दूध, भात, मक्खन का ज्यादा सेवन करे। बस आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जी धन्यवाद।